हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। तो देखिए, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, सबसे पहले वंश का लंच प्रिपेयर करने। और यहाँ पर इनकी आलू की मैंने भुजिया बनाया है और पूड़ी पूड़ी बना के देंगे। तो आलू की भुजिया रेडी हो चुकी है, बस बनाना है पूड़ी। बस पूड़ी भी वंश के लिए ही बना रहे हैं अभी, और अपना अपने लोग के लिए बाद में बनाएंगे। और है क्या कि मौसम बाहर बहुत बारिश वाली हो रही है, रात में भी बहुत बारिश हुई थी, तो ये है कि टाइमली बच्चे निकल जाए। वंश स्कूल बस से जाता है, तो अगर टाइम पर निकल जाएगा तो सही रहेगा। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। आजकल तो बारिश रोज़ हो रही है, हर दिन हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी गर्मी पता नहीं क्यों कोई ख़ास में अभी कमी नहीं आई है। क्योंकि होता क्या है कि बारिश होने के बाद फिर धूप भी उतना तेज़ी तेज़ी से निकल जाता है, लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है कि हम लोग की एकदम हालत बुरी हो जा रही है बारिश की वजह से। कपड़े अंदर बाहर करते करते पूरा हालत ख़राब है, कपड़े कहीं सूख ही नहीं रहे हैं। और हमारे इधर क्या होता है, घर में कहीं मतलब बालकनी में धूप भी नहीं आती है, है तो दो दो बालकनी पर दोनों में कहीं धूप नहीं आती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि अब बारिश हो रही है, इसकी वजह से काफ़ी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो फिर कपड़े भी सूख नहीं रहे हैं। तो रात भर फैन चला के छोड़ना पड़ता है एक रूम में, उसके बाद फिर कपड़े थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं। लेकिन वही है, फिर भी जैसे धूप नहीं लगता ना, तो कपड़े से एक अजीब से ही स्मेल रहती है। तो या तो उसको प्रेस करके ठीक किया जाए, पर इतने तो कपड़े कम है नहीं कि प्रेस सारे कपड़े कर लिए जाए। और डेली का डेली यही हो रहा है, बच्चों के इतने सारे कपड़े निकलते हैं, स्कूल के ड्रेस हैं, तो सूखने में भी टाइम लग रहा है, फिर उसको प्रेस भी करना पड़ रहा है, मतलब डबल ट्रिपल ड्यूटी हो गई है। क्योंकि बारिश की वजह से कभी कपड़े अंदर करो, कभी बाहर करो, जैसे छत पे भी नहीं फैला सकते कि धूप लग जाए। जब धूप निकलती है तो अगर आप धूप में कपड़े फैलाते भी हो तो 5 मिनट में पता चला कि बारिश कब शुरू हो जाए, पता नहीं चलता। तो देखिए, बातों बातों में लंच प्रिपेयर हो गया वंश का, अब मैंने पैक कर दिया कि पूड़ी और सब्ज़ी, बस इनको दे देंगे, ये निकल जाएंगे पर टाइम पर तो सही है, नहीं तो फिर बारिश होने से कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अभी भी बादल काफ़ी आ रहा है। तो यहाँ देखिए बाहर कितनी तगड़ी वाली बादल आ चुका है, बारिश लग रहा है कि बहुत ख़तरनाक होने वाली है। पर अच्छी बात यह है कि बच्चे स्कूल टाइम पर पहुँच चुके हैं, और फिर इसके बाद बादल बादल आया है तो ठीक है, बारिश का सीज़न है तो बारिश तो होगी। लेकिन वही है, बारिश तो अच्छा भी लगता है देखने में, लेकिन इतनी सारी दिक्कत भी ला देता है। पता चला कहीं कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो बच्चे टाइम पर स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं, तो ऑफिस भी जाना होता है हस्बैंड लोग को, ट्रैफिक लग जाती है, तो ये सभी बारिश के कई सारे डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स और डिमेरिट्स तो खैर हर चीज़ों के होते हैं, इवन हम लोग के खुद ही, हमारे अंदर भी कई कमियां होती हैं, कई अच्छाइयां होती हैं, तो ये तो खैर सीज़न है। तो इसी बीच में मैंने बर्तन में धुलने आ गए किचन में, क्योंकि जो है बर्तन भी पड़े हुए थे, मैं धुलने थे, और बेबू सो रही हैं, तो सोचे फटाफट ये सब काम भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर उनको आज स्कूल भी ले जाना है, टाइम पर उनको उनको भी ले जाएं तो ज़्यादा सही है। वैसे भी क्या है, कोई टाइम फिक्स नहीं है उनको जाने का, कभी 9 बजे जा रही हैं, कभी 10 बजे जा रही हैं, पर हाँ आने का टाइम मैंने उनको फिक्स करके रखा है कि 12 बजे जब छुट्टी होती है तो उसी टाइम पर ही आएंगे। तो इधर देखिए बेबू सो के उठ गई हैं, और मेरा भी उधर सब काम हो गया, नहावा के मैं भी आ गई थी, फिर इनको नेल पेंट इनको लगाने का मन था, पता नहीं कहाँ उनको नेल पेंट का याद आ गया, तो इनको नेल पेंट लगा दिया। इनका फेवरेट कलर ब्लू है, तो लाइट ब्लू इनके लिए ही नेल पेंट लिया है। और ये और पापा दोनों जन एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। अभी क्या है ना कि भाई हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि अभी सीज़न भी चेंज हो रहा है, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा अभी सर्दी खांसी सब चीज़ें दिख रही हैं, और ख़ासकर स्कूल वाले बच्चों को। क्योंकि क्या होता है कि स्कूल में जाते हैं जब बच्चे, तो कई लोगों से कॉन्टेक्ट में आते हैं, उसमें क्या होता है कई बच्चे हैं जिनको खांसी सर्दी ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, सबको ही लगभग हो रहा है, तो उससे क्या होता है बच्चों को आप कितना भी बचाइए तो भी हो ही जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो उसके लिए यही है कि टाइमली वो लोग सोएं, टाइम पर उठें, हेल्दी खाना खाएं, और वॉक एक्सरसाइज करें। तो बेबू को भी देखिए कर रही हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान दे रही हैं, ये एक्सरसाइज कर नहीं रही, करवा रही हैं, पापा को बता रही कैसे कैसे करना है। और इसी बीच में आ गई यहाँ पर बेडरूम में, और मैं चद्दर वद्दर ठीक करने के लिए, पर सोचा तो था कि आज ना चद्दर हटाएंगे और इसको धुले उलेंगे,
लेकिन वही है ना कि मौसम इतना खतरनाक होता जा रहा है, ख़राब हो रहा है, बारिश वारिश है कि सूख ही नहीं रहा कपड़ा, 2-4 दिन में तो जाके कपड़े सूख रहे हैं, तो चद्दर वद्दर का तो भाई कोई वही ठिकाना नहीं। इतना पहली बात इतना फैलाने का जगह नहीं है ना, पूरे घर में सोचिए रस्सी बांध बांध करके काम चल रहा है, बालकनी में इतना स्पेस होता नहीं है कि 2-2 3 दिन के कपड़े फैलाए जाएँ, और वहाँ भी आप बालकनी में रस्सी उस्सी बांध नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर ना सिस्टम बना नहीं है हमारे इधर में, तो अपना से हमारे पास है ना वो कपड़े का स्टैंड है तो उसी पे ही कपड़े फैलाते हैं, तो लेकिन जैसे बड़े बड़े चद्दर हैं ये सब तो स्टैंड पे आएंगे ही नहीं, तो इसके लिए फिर रूम में ही कहीं ना कहीं से रस्सी बांधना पड़ता है और रात में फैन चला के छोड़ देते हैं तो सूख जाता है। तो अभी सोचा है कि इसको चद्दर नहीं धुलेंगे, बाकी अभी पिलो कवर वर धुल ले रहे हैं क्योंकि अभी ऑलरेडी मैंने 3 चद्दर धुल के रखे हैं, पहले वो तीनों सूख जाए और उसके बाद फिर इसका टर्न आएगा, क्योंकि अगर एक के ऊपर एक चद्दर रख दीजिए ना तो वो सूखता भी नहीं है, अजीब साइज में लाता है, फिर यही है ना डेली यूज़ के ऑलरेडी कपड़े इतने सारे हैं, उसको सुखाने में तो अपनी हालत बुरी होती जा रही है, अंदर बाहर करो, कभी बालकनी में लाओ, कभी रूम में लाओ, कभी फ़ैन चलाओ, और फिर भी जो है सूख भी जाए हैं तो उसको फिर बिना प्रेस किए पहनने लायक नहीं, क्योंकि उसमें से ना एक अजीब सी स्मेल आती है, जब तक वही ना सनलाइट नहीं पड़ता कपड़ों पर तब तक वो फ्रेश फील नहीं होता उसमें, एक फ्रेशनेस नहीं आती है, तो इसलिए इतना सारा काम बढ़ गया है इस बारिश में। और ऊपर से बच्चों का तो अलग ही है, तो अभी बेबू का एडमिशन हो चुका है तो इनकी भी एक ड्यूटी है, अभी क्या है कि इनको ले जाते हैं और वहीं पर रहते भी हैं क्योंकि अभी बहुत छोटी है, अभी स्टार्ट ही हुआ है तो थोड़ा दिन तक उसको मतलब वहाँ पर देखना है कि जब सेट हो जाएंगे तब तुमको छोड़ के आ जाएंगे तो टाइम भी मिलेगा, अभी फिलहाल बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा क्योंकि सुबह ही सब सब काम निपटा लेते हैं, जैसे कि स्कूल से जब इनको लेकर के आए तो ज़्यादा काम फैला ना रहे, घर पर लगभग समेट के ही जाते हैं, तो इसलिए सुबह सुबह काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि फिर दिन भर थोड़ा रिलैक्स रहता है, बाकी दिन भर कपड़ों की ड्यूटी आराम से अपना पूरा करो, अंदर बाहर करो, सुखाओ उसको, प्रेस करो, जितना भी कर सकते हो करते रहो, तो बस यही सब आजकल ड्यूटी चल रही है। और बेबू का भी देखिए काम नहीं करने दे रही हैं, ऊपर नीचे कूद रही हैं, तो बच्चों का तो खैर लगा ही रहता है, जहाँ भी कुछ करिए वहाँ तो उनको तो करना ही करना है बदमाशी। तो ये देखिए जब से मैंने ये सिंगल बेड यहाँ पर अटैच कर दिया तब से क्या हो गया कि इस पर कोई चद्दर नहीं आता है अभी, क्योंकि एक तो डबल बेड है और ये सिंगल, तो दोनों मिल करके इतना लंबा कोई बेडशीट तो है नहीं कि दोनों कवर कर ले, इसलिए क्या करना पड़ता है मुझे एक बेडशीट तो ये जो सिंगल बेड है इस पर डालना ही पड़ता है और एक जो डबल बेड है उसको जो है डबल बेड शीट वाला लगा करके इसे अटैच कर देते हैं। तो काम तो फिलहाल चल जा रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि पापा जब छुट्टी हो टाइम निकालें तो जाते हैं मार्केट और वहाँ से लाते हैं 2 डबल बेड शीट, उससे क्या होगा 2 डबल बेड शीट रहेगा तो दोनों अटैच करा देंगे तो दोनों पर प्रॉपर आ जाएगा और अच्छे से कवर कर लेगा दोनों बेड को, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि काम तो चल जा रहा है लेकिन सही हो गया है, अब हम लोग चारों लोग एक साथ ही रहते हैं और कंफर्टेबल काफ़ी रहता है, दिक्कत नहीं होती है, वही है ना कि बेड तो काफ़ी है हर जगह, एक हॉल में है, रूम में है, सब जगह है, लेकिन वही होता है कि कोई उधर सोया है, कोई उस रूम में सोया है, उससे क्या होता है बच्चे बड़े डिस्टर्ब रहते हैं और फिर हम लोग को भी चिंता लगी रहती है कहीं आराम से सो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं मच्छर तो नहीं काट रहा है, तो अभी क्या होता है सब एक साथ रहते हैं तो निश्चिंत भी रहते हैं। अभी क्या किया है कि मेरे पास डबल बेड का हुआ है मच्छरदानी है वही लगा देते हैं इस पर, तो वो काफ़ी कवर कर लेता है, काफ़ी बड़ा है, डबल बेड से भी बड़ा मच्छरदानी है, तो क्या होता है कि दोनों बेड को कवर कर लेता है अच्छे से। और अभी क्या है कि मौसम थोड़ा सा वैसा है ना बारिश वाला, तो कीड़े मकोड़े इसमें बहुत आते हैं, तो मच्छरदानी तो लगाना ही लगाना चाहिए, उससे क्या होता है कि आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं कि आपके बच्चे सेफ़ हैं। तो मैं तो खैर हमेशा लगाती हूँ, चाहे ठंडी गर्मी बरसात हर सीज़न में लगाती हूँ क्योंकि मुझे मच्छर से बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर एक भी मच्छर है तो मुझे नींद नहीं आती है, तो इसलिए तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी बरसात के टाइम में तो सबको ही लगाना चाहिए क्योंकि पता नहीं कौन कौन से खतरनाक खतरनाक कीड़े ऐसे आते हैं, कभी कुछ काट लिए, कभी कुछ भी पकड़ लिए, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मच्छरदानी हमेशा ही यूज़ करना चाहिए। तो देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ, इनके पापा भी ऑफिस निकलने वाले हैं और मुझे भी बेबू को स्कूल छोड़ने जाना है, तो बस मैं अपना और इनका ब्रेकफास्ट बना लूँगी फटाफट, पूड़ी और सब्जी और चाय पी लेंगे हम लोग और ये सब खा के हम लोग भी निकल।
तो देखिए ये ऑफिस निकल गया अपन नाश्ता वास्ता करके, मैंने भी नाश्ता कर लिया, बेबी को भी थोड़ा सा खिला दिया, ये बस थोड़ा सा बोड़ी ही खाई थी, और इनके इनका अभी लंच पैक कर दिया है, इनके लंच में बस ड्राई फ्रूट्स रख दिया है अभी, क्योंकि ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है इनको, एक डेढ़ घंटे में ही आ जाएंगी, और वैसे भी अभी अभी दे दें पता नहीं खा पाएंगे नहीं खा पाएँ, बाकी जो वही दिया है जो ये खा लेती हैं, जैसे इनको मखाना पिस्ता और किशमिश सब यही सब ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यही सब रख दिया है, और पानी का बॉटल, अभी क्या है पानी का बॉटल भी ना इनको थोड़ा ही पानी देते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे में मुझे पता नहीं था, तो जब छुट्टियां होती ना तो मैम इनके गले में बॉटल लटका देती हैं, तो फर्स्ट डे तो काफ़ी बॉटल पानी था, तो अभी क्या है मैंने थोड़ा सा बस पानी दिया है, जैसे कि प्यास लगे तो थोड़ा पी सके, बाकी तो पानी उतना तो बच्चे पीते ही नहीं इतना ज़्यादा, तो मैंने बस थोड़ा सा पानी रख दिया उसमें, और बाकी वही ड्राई फ्रूट्स लंच में रख दिया है, अब इनको कर दे हैं तैयार, और ये देखिए कितना खुश होकर के तैयार हो रही हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है स्कूल ड्रेस पहनना, शूज़ पहनना, शूज़ तो इनका सबसे ज़्यादा फेवरेट है, इसको तो इतना पहन रही हैं जब भी कहीं बाहर भी जाती हैं, कहीं भी जाती हैं तो बाहर से घर से निकलेंगी तो बस यही शूज़ पहनेंगे, अभी सारा शूज़ इनका जो भी है पहले वाला वो सब कोई छू नहीं रही है, बस यही शूज़ पहनना है इनको, तो फिर देखिए हम लोग जा रहे हैं इनके स्कूल, तो यहाँ बेबू अपने साइकिल से स्कूल जा रही हैं, क्या होता है साइकिल से रहती है ना तो आराम रहते नहीं, तो फिर पैदल जाएंगे तो गोदी जाएंगे, अब बच्चे हैं पैदल तो जा नहीं पाएंगे इतना, तो गोदी में तो भाई दिक्कत रहती है, इसलिए साइकिल से सही है, क्या होता है आराम साइकिल चली जाती हैं और आ भी जाती हैं। तो देखिए अब स्कूल में छुट्टी हो गई है, तो आ रही हैं कैसे बॉटल टांग के, बहुत प्यारी लग रही हैं, और इसके बाद फिर हम लोग अब घर आ रहे हैं, तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।